वेलकम टू माई चैनल। अब मैं बताऊंगी इंस्टेंट ग्लो फेस पैक। इस पैक के लिए, ये फेस पैक हर एज के लिए सूटेबल हैं और स्किन टाइप के लिए भी सूटेबल हैं। इससे स्किन ग्लोइंग रहने के साथ ही साथ स्किन पे टैनिंग भी रिमूव होगा और स्किन के ऊपर सारे डेड स्किन सेल्स भी हट जाएगा और स्किन पे पोर्स भी हैं वो भी मिनिमाइज हो जाएंगे और स्किन भी सॉफ्ट स्मूथ रहेगा। अगर आपको सॉफ्ट स्मूथ स्किन चाहिए तो इसके लिए आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखिए और इसमें टिप्स भी शेयर करूँगी। इसके साथ साथ वो भी फॉलो करने से स्किन हमेशा ग्लोइंग रहेगा और शाइनी भी रहेगा। सो चलिए वीडियो को देखते हैं। इसके लिए हमें लेना है मसूर दाल, एक क्लीन बाउल लेना है। क्लीन बाउल में हमें ऐड करना है एक चम्मच मसूर दाल और एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी ऐड करना है और एक चम्मच राइस फ्लोर चावल का आटा ऐड करना है। ऐड करके इन तीन पाउडर्स को अच्छे से मिक्स कर लेना चाहिए। आप चाहिए तो इस फेस पैक को हर रोज़ अप्लाई करना चाहते तो आप इस पाउडर को थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी ऐड करके स्टोर भी कर सकते हो। आप इसको दो हफ्ते तक आराम से स्टोर भी कर सकते हो एक एयर टाइप कंटेनर में डाल के। मैं आपको दिखाने के लिए एक एक चम्मच ऐड कर चुकी हूँ। आप चाहिए तो तीन चम्मच या चार फोर चम्मच, एक एक इंग्रेडिएंट चार चार चम्मच भी ऐड करके पाउडर बना के स्टोर कर सकते हो। अभी मैं सब एक एक चम्मच ऐड कर चुकी हूँ। इसके बाद इसमें हमें ऐड करना है दही। दही ऐड करके फाइन पेस्ट जैसा मिक्स करना चाहिए। क्योंकि मैं दही इसलिए ऐड कर रही हूँ, दही हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, दही हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है और ये अपना एक्ने मार्क्स को दूर करता है, नेचुरल स्किन को मॉइस्चराइज करता है। अगर आपका स्किन ऑयली है तो ये इसमें दही ऐड करने की वजह स्किन ऑयली फ्री रहेगा और सिल्की स्मूथ और सॉफ्ट रहेगा। अभी ये पैक बन चुका है। इसको इस्तेमाल कैसे करना है मैं अभी अप्लाई करके दिखाऊंगी। अब इसको साफ चेहरे के ऊपर अप्लाई करना है। आप चेहरे को पहले नॉर्मल पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। अगर आप मेकअप में हैं तो मेकअप को अच्छी तरह रिमूव करके इस पैक को अप्लाई कीजिए। इसके बाद ये ऑल ओवर चेहरे के ऊपर इस पैक को अप्लाई कीजिए। मेक श्योर आप अंडर एरिया छोड़ के ऑल ओवर फेस के ऊपर अप्लाई कीजिए क्योंकि अंडर एरिया बहुत सेंसिटिव रहता है। इसमें मैंने मसूर दाल पाउडर ऐड कर चुकी हूँ। मसूर दाल में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ रहता है, ये अपने स्किन को एजिंग को रिड्यूस करता है और स्किन के ऊपर रिंकल्स फाइन लाइंस भी हैं वो भी रिमूव कर देता है। अगर आपका स्किन पे ऊपर डेड स्किन सेल्स है वो भी हटाता है क्योंकि ये नेचुरल स्क्रबर की जैसा भी यूज़ काम करता है। और इसमें मैंने मुल्तानी मिट्टी यूज़ कर चुकी हूँ। ये मुल्तानी मिट्टी नेचुरल क्ले मास्क, ये अपने स्किन को साफ कर देती है और टैनिंग को भी रिमूव कर देती है। चावल का आटा इस्तेमाल कर चुकी हूँ। चावल का आटा में एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रहता है, ये अपने स्किन को टाइटनिंग करता है, ब्राइटनिंग करता है, साथ ही स्किन को अच्छी तरह एक्सप्लोइट भी करता है। इसलिए मैं चावल का आटा ऐड कर चुकी हूँ। तो ये सब इंग्रेडिएंट्स अपना स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो ये नेचुरल DIY होम पैक है, आप हर कोई बना के इस्तेमाल कर सकते हो। इसे साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, 100% सेफ और इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आपको देते हैं। ये पैक अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट छोड़ देना है। जब ये लाइटली सूख जाएगा तब चेहरे को ठंडा पानी से वॉश करके पोंछ लीजिए। ऐसा आप हर रोज़ कर सकती हो आपको अच्छे रिजल्ट आने के लिए। इसके बाद चाहिए तो आप हफ्ते में 2 बार या 3 दिन बार आप ट्राई कर सकते हो। ये आप कभी भी ट्राई कर सकती हैं, नुकसान नहीं है, साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर आपको हर रोज़ ट्राई किए तो फिर भी आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल हनीज ब्यूटी एंड हेल्थ और साइड पर बेल आइकॉन को आप प्रेस करने से मेरी सारे लेटेस्ट वीडियोस अपडेट्स आपको जल्दी से मिल जाती हैं। तो इसके लिए बेल सिंबल को ज़रूर क्लिक कीजिए।